तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी से। हमारा जो एक एग्ज़ाम्पल रह गया था, तो मैं कोड पेन पे हूँ। मैंने कुछ CSS जो पिछले लेक्चर में करवाई थी वो पहले से करके रख ली है। ये बेसिकली हमको मतलब जो बॉर्डर जो हमको दिखता है उसके लिए हमने लिखी हुई है, तो उसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। तो आ जाओ, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, स्लैश टेबल। तो सबसे पहले बनाते हैं टी हेड। टी हेड के अंदर टी हेड को बंद करो और उसके अंदर पहली रो, और पहली रो को बंद करो, उसके अंदर पहला टी हेड जो है हमारा वो है स्टेट ऑफ हेड, स्टेट ऑफ अ हेड स्लैश टी एच। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे रोज पेन लगा हुआ है। ठीक है, तो रोज पेन कितने का लगा हुआ है? दो का लगा हुआ है, यहाँ पे टू, थोड़ा ऐसे आ जाओ। ठीक है, तो लगा हुआ है रोज पेन। अगला टी एच, टी एच, और इसकी जो वो है फास्टिंग वैल्यू स्लैश टी एच, और जो हमारा थर्ड कॉलम है वो है आफ्टर ईटिंग, वो है आफ्टर ईटिंग स्लैश टी एच। ठीक है, चलो अब देखो भाई, जो अगला जो अगली जो हमको रो दिख रही है, जहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है मैक्सिमम लिखा है, वो भी हेडिंग ही एक तरीके की, तो मेरे को एक और रो बनानी पड़ेगी नीचे। तो वैसे कॉपी करता हूँ, देखो इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया, आ गया। अब यहाँ पे लिख लो, आप पहले कौन सी है? पहली है मिनिमम, MINIUM मिनिमम। सॉरी, स्पेलिंग का देख लेना यार, मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम आ गया और मैक्सिमम आ गया। उसके बाद एक और है हमारे पास, वो देखो यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉल स्पैन ऑफ टू लगा हुआ है, तो कॉल स्पैन ऑफ टू। ठीक है, बन गया सही से। चलो, और यहाँ पे एक और है हमारे पास वैल्यू 2 आवर्स ऑफ ईटिंग, तो यहाँ पे आते हैं 2 आवर्स ऑफ ईटिंग, बन गया। अब नीचे का तो भाई आपका सिंपल टेबल ही है, वो तो आप बना ही लोगे। टेबल की बॉडी, नॉर्मल टेबल तो हमको आता ही है, सो दिस इज टी बॉडी, सो स्लैश टी बॉडी। नाइस, यहाँ पे आप रो ऐड करते जाओ यार। अब टी आर स्टार्ट कर दो, टी आर बंद कर दो। ठीक है, तो उसमें पहला डेटा डाल दो टी डी। अब एक्स वाई जो भी तुमको डालना है तुम यहाँ पे डाल सकते हो, टी डी 1 2 3। देखो आ गया, एक और है 4, तो 4। अब इसे कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, जितना करना उतना कर दो यार। ओहो हाँ, तो बन गया सही है। अब कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि डायरेक्टली भी हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से इसको सारा कोड हटा रहा हूँ और मैं इसको टी बॉडी के अंदर ही पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए तो काम करता है, देखो तब भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रिक ये थी, कुछ लोगों ने शायद ऐसा किया होगा कि उन्होंने सोचा होगा टी हेड में एक ही रो है, तो तुम डाल के देखो तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इसने यहाँ पे अभी काम नहीं किया। अब इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, चल रहा है। दोनों तरीके से करवा दिया। और कभी कभी क्या होता है, हम टी हेड और टी बॉडी टैग भी यूज़ नहीं करते। देखो मैं इसको यहाँ से ये भी रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ से टी बॉडी को भी रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ से टी बॉडी भी रिमूव कर दे रहा हूँ। देखो टेबल हमारा फिर भी बन गया ना। अब यहाँ पे हमारा जो ऊपर हमने रोज पेन कोस पेन यूज़ किया था वो मैंने पेस्ट किया, तो देखो तब भी बन गया। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको टी बॉडी में रख दो, सॉरी टी हेड में रखो। कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और इसको रखो टी बॉडी के अंदर,
इसे कर लो कॉपी और नीचे करो पेस्ट। अब हमारा एक फुटर रह गया था टेबल का, तो मैं वो भी कर देता हूँ, टी फुट। ठीक है, टी फुट स्लैश टी फुट। यहाँ पे भी एक रो डाल दो, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, तो देखो कैसा आता है। यहाँ पे मोस्टली से यार, चलो मान लो कि मैंने मैंने बोला कि ये हमारे फर्स्ट कॉलम का सम है 100, तो इसे 100 कर दो, इसे कर दो 100, इसे कर दो 100, वो भी है सॉरी 1000, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब देखो यार, इसका फ़ायदा ये होता है कभी कभी, देखो मैं चाहता हूँ कि टी हेड में जो भी है कलर उसका, उसमें मैं सेपरेट सी एस एस लगाना चाहता हूँ, टी बॉडी में सेपरेट सी एस एस लगाना चाहता हूँ और टी फुट में सेपरेट लगाना चाहता हूँ, तो ये तो हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं टी हेड टू हेड को। वो भी दिखा देता हूँ, सी एस एस हम अभी की तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा मैं कहता हूँ, लेट्स से कलर भाई तुम रेड में आ जाओ, ये रेड में आ गया, तो मैं बोलता हूँ भाई टी फुट भाई तुम आ जाओ कलर ग्रीन के अंदर। ठीक है, देखो ये ग्रीन में आ गया, अब मैं कहता हूँ टी बॉडी तुम आ जाओ कलर ब्लू में आ जाओ, और ये ब्लू में आ गया। तो बेसिकली हमको यार ये चीज़ में हेल्प हो जाती है, ऊपर अलग से लगा दी, नीचे अलग से लगा दी, यहाँ पे अलग से सी एस एस लगा दी। इसलिए यार एक अच्छी प्रैक्टिस है, तुम हेडिंग को टी हेड के अंदर डालो, बॉडी को टी बॉडी के अंदर डालो और फुट को टी फुट के अंदर डालो। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पे।